आपदा से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। बंगापानी तहसील के बरम से कनार को जोड़ने वाली पैदल रास्ता जो बीते दिनों भारी बारिश के कारण जगह जगह पर रास्ते टूट गए हैं, ग्रामीणों को मुख्य बाजार में आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कनार गांव में 1500 की आबादी है। रास्ते खराब होने के कारण से 5 महीनों से घोड़े खच्चर नहीं चल रहे। गांव में राशन की भी किल्लत हो रही है। अगर ये रास्ता जल्दी से जल्दी नहीं बनता तो गांव में भुखमरी जैसे हाल बन जाएंगे। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता जग्गू परिहार जी का उनका कहना है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। नव भारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। सीमांत जिला पिथौरागढ़ बंगापानी तहसील का दूरस्थ गाँव कनार बीते दिनों भारी बारिश से जो जगह जगह पर रास्ता क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीण जो मुख्य मार्केट बरम आवाजाही में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो आप देख सकते हैं कि वीडियो में देखो ग्रामीण किस प्रकार से कितने अपनी जान को जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं, कितना खतरा बना हुआ है आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं शासन प्रशासन से विनती करता हूं कि कृपया इस विषय को जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए और इसमें जो क्षतिग्रस्त रास्ते हैं इसको सुधारा जाए। मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व 5 महीने से लगभग अभी घोड़े खच्चरों का रास्ता बाधित है। घोड़े खच्चरों का रास्ता बाधित होने के कारण गाँव में राशन की काफ़ी किल्लत बनी हुई है। अगर घोड़े खच्चर ये जो उक्त रास्ता अगर जल्दी से जल्दी नहीं बनता है तो गांव में भुखमरी होने की आसार हैं। मैं पुनः से शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो घोड़े खच्चर का रास्ता सुचारू रूप से चलाया जाए और जो उक्त जो ये रास्ते जो खराब रास्ते हैं इनको सुधारा जाए।